dance music. जो है 1100 साल पुराना है, 1100 years old। जबानी हमारा आबा अजदाद इसका हिस्ट्री 900 साल बताया करते थे। कार्बन डेटिंग लिस्ट इस रिपोर्ट के मुताबिक यूनेस्को ने फोर्ट मिट्टी और वुड को रिसर्च किया तो हिस्ट्री जो है 1100 साल पुराना निकला। कहते हैं उस जमाने में यहाँ के शाही फैमिली से एक शहजादे ने शिगर की एक खातून से शादी की। उस जमाने में वो खातून 130 बारातियों के साथ 40 days बाद सिकरदो शिकर से यहाँ पहुँचे। जब वो यहाँ पहुँचे तो गुरबत का आलम था, स्टेट नहीं था, कोई ख़ास जगह नहीं थी। प्रिंसेस ने परेशानी की हालत में उन 130 बारातियों में उनका एक मुँह बोला भाई था जिसका नाम अब्दुल खान कहा जाता है, उन्हीं के जरिए अपने फादर को शिकायत भेजा कि आपने मेरा ब्याह ऐसी जगह करवाया है जहाँ मेरे लिए कोई ख़ास जगह नहीं। सुल्तान खान मेरी टुशे खातून, शहजादे का नाम सुल्तान खान, खातून का नाम शी खातून, शी मीन्स मोटा, खातून खातून से निकला। शिकायत भेजा कि आपने मेरा शादी ऐसे जगह किया है जहाँ मेरे लिए कोई ख़ास जगह नहीं। बादशाह ने वो 130 बारातियों में से कुछ कारपेंटर्स थे, कारपेंटरी का काम करते थे, कुछ मेसन्स थे, मिस्त्री का काम करते थे, उन्हें हुक्म दिया कि वो उनकी बेटी के लिए एक किला तामीर कर ले। बाराती का ही अरसा यहाँ रहे। किला 3 सेक्शन में बना, फर्स्ट रॉयल किचन, सेकंड मास्टर बेडरूम, लास्ट में वॉश टावर। वॉश टावर के लेफ्ट साइड पे एक छोटी सी मस्जिद है जिसकी तारीख कोई 400 साल बताई जाती है, हुंजा का सबसे पहला मस्जिद कहलाता है। दरवाजे शॉर्ट बनाए गए, दरवाजे शॉर्ट बनाने के 3 reasons थे। फर्स्ट बादशाह के सामने जो भी आए झुक कर आए, एहतराम मनाए। सेकंड बादशाहों पर हमले होते थे, दुश्मन भागते हुए तेजी में आए, उनका सर लगे पाँव लगे, गार्ड्स को पकड़ने में आसानी हो। थर हमारे इलाके में नवंबर दिसंबर से स्नो फॉलिंग होती है, आग जलाए तो एकदम सर्दी ना आ सके। ईस्ट बिल्ट 2 बल्टीवार्ड्स थे, ये तिब्बतन से आए थे। ईस्ट मीन्स डाउन, बिल्ट मीन्स अप। ईस्ट बिगड़ते बिगड़ते अल्तित बन गया, इस गांव का नाम अल्तित या अल्तित फोर्ट। बिल्ट बिगड़ते बिगड़ते बल्तित बन गया, दूसरे गाँव का नाम बल्तित। दोनों का मतलब अप एंड डाउन, आमने सामने। बल्तित फोर्ट 800 साल पर नहीं, अल्तित फोर्ट 1100 साल पर नहीं।
ये था बादशाह के सिक्योरिटी का गार्ड रूम, दिस इज वाइन सेलर। बिफोर द इस्लाम ग्रेप्स का वाइन निकाल के बादशाह के लिए स्टोर क्या करते थे, ग्रेप्स की फर्मेंटेशन होती थी। हम इसको अपने जबान में मेल सान कहते हैं, मेल कहते हैं हम शराब को, सान कहते हैं जमीन का अंदर एक बड़ा बना के जिसमें ज्यादा से ज्यादा शराब स्टोर हो। और ये आपके पीछे स्टैंडिंग ग्रेव है, खड़ा कब्र। बादशाह दो जुड़वा भाई थे, एक बादशाह था दूसरा उसका जुड़वा भाई। बादशाह का जुड़वा भाई अपने भाई से बादशाहत छीनना चाहते थे। बादशाह हुंजा नगर पर रियासत करता था, उसका जुड़वा भाई चाहता था रियासत उसके पास आ जाए। बादशाह ने अपने भाई को समझाया, नहीं माने, दोनों में बगावत हुई, अपने भाई को जिंदा चुनवा दिया। 2006 से लेकर 2012 तक इस फोर्ट का रेनोवेशन हुआ है। रेनोवेशन यूनेस्को के अंडर में एक SCSP आहान कल्चर सर्विस पाकिस्तान ने किया है। रेनोवेशन के दौरान इसका बैग सेट गिर गया था, अंदर स्केटन मौजूद थी। यूनेस्को ने स्केटन की स्केलिंग की। 600 साल पहले बादशाह ने अपने भाई को चुनवाया था, फिर स्केटन को अंदर रखे एज इट इज, इसी तरह इसको बंद किया क्योंकि इसको आगे रिजर्व रखना था। अब देख नहीं सकते, बंद कर दिया। अगर देखते ना लोग, मतलब इतने हर जगह से लोग आते हैं उसको, मतलब देखते देखते फिर वो सारा खत्म हो जाता है। तो वो बादशाह का मतलब क्या था? बुद्धिस्ट थे। मैं आपको बताऊंगी, ऊपर सब बताऊंगी, हर रूम में एक अलग है स्क्रीन। मीटिंग हॉल भी कहलाता है, जैसे पंजाब में पंचायत कहते हैं, KPK वाले जिरगा कहते हैं, हम अपने जबान में उसको अस्तम कहते हैं। वो सिटिंग प्लेस था, उसको हम थमो मंग कहते हैं, थमो कहते हैं हम बादशाहों को, मंग कहते हैं सिटिंग प्लेस को। इस साइड पे किंग बैठा, उस साइड पे क्वीन बैठी। इस गांव के अकाबरान आए, एहतरामन उनका हाथ चूमा, फिर एहतरामन इस जगह पर इस तरह बैठ गए जिस तरह आप लोग बैठे हैं। इस गांव के मसले मसाइल उनके सामने पेश करते थे, उनके फैसले सुनते थे। लास्ट में उन अकाबरान के लिए स्पेशल कुकिंग होता था, गैरेज कुकिंग प्लेस 700 रिजोर्ट कुकिंग कोर्स। एक ही पत्थर से तराश के बनाया जाता है, इसका पत्थर दरिया के किनारे से मिलता है, लोकल हम इसको बलोट कहते हैं। और ये है 1100 साल पुराना प्रेशर कुकर। और मैं आपको बताती चलूँ, वो बादशाह जो थे बुद्धिस्ट थे, बुद्धिज़्म थे। यहाँ पर 700 साल बाद इस्लाम फैला, इसे शिवलिंग कहा जाता है। इस पर दूध डाल के, इस पर मक्खन डाल के वो अपना वर्शिप करते थे। और ये ऊपर आपको स्टार जैसे 5 लेयर्स नजर आ रहे। हम लोग विंटर्स के लिए अपना कल्चरल घर इस तरह का बनाते हैं। बुद्धा के ज़माने में उन्होंने इस तरह के 7 लेयर्स बनाए थे। उनका कॉन्सेप्ट था 7 जमीन, 7 आसमान, 7 समंदर। यहाँ से बुद्धिज़्म ख़त्म हो गए, इस्लाम फैला, मुसलमान आए, तो उन्होंने 2 काट के 5 बना दिए पंचतंत्र के नाम के। और ये है वुडन बॉक्स, लोकल हम इसको छबुर कहते हैं। ये भी हमारे घरों में अभी तक यूज होता है। इसके 2 पोर्शन होते हैं, एक साइड पर हम आटा स्टोर करते हैं, दूसरे साइड पर गंदम स्टोर करते हैं। ये वॉलनट के लकड़ी से बनाया जाता है। वॉलनट के लकड़ी से बनाने का हमारे बुजुर्गों का एक कॉन्सेप्ट ये है कि वॉलनट का अंदर जो फल पाते हैं, वॉलनट की लकड़ी को बड़ा बरकत समझते हैं। पुराने ज़माने में यहाँ गुर्बत की रास्ते ले थे, लोगों के पास बहुत कम जमीन होता था, उसमें वो काश्त करते थे। वहाँ से उनको जितना अनाज मिले उसी से पूरे साल के लिए गुजारा करते थे। इसलिए वो हमारे बुजुर्ग हमसे ये कहते हैं कि हम जो भी लकड़ी इस्तेमाल करें, आटा रखने के लिए, गंदम रखने के लिए, बेलन बनाए, पेड़ा बनाए, वॉलनट के वुड से बनाए, जिसमें साल भर में बरकत पैदा हो जाती है। और ये पुराने ज़माने का मेजरमेंट पॉट हाथ से चीज़ें देना मायूस समझा जाता था। खास कर जैसे उर्दू में कुछ पैमाने हैं, 2 किलो, 5 किलो, 10 किलो, हमारे अपने ज़बान में कुछ पैमाने थे, हुल दो हिची। पर अगर किसी से मैंने 2 किलो गंदम लिया है तो हिस्ट्री के बराबर उनको देना पड़ता था। ये किंग और किंग के लिए कश्मीर से गिफ्ट मिला था और ये चाइना से उनको गिफ्ट मिला था। और मैं आपको लोकल डीप फ्रीजर के बारे में एक्सप्लेन कर दूँ। ये है हमारा लोकल डीप फ्रीजर। हमारे यहाँ लाइट बहुत कम है, एक नेचुरल सिस्टम चलता है।
हर ग्लेशियर में हर चाइना में ग्लेशियर का पानी आता है। जिस चाइना से ग्लेशियर का पानी गुजरता है उसके ऊपर छोटा सा केबिन बनाते हैं। केबिन के नीचे खुली जगह छोड़ते लकड़ी का जाना बनाते हैं वगैरह रखते हैं ताकि चलते पानी से ग्लेशियर के पानी से वो चीज फ्रीज हो जाए। इसको हम लोकल ईशा कहते हैं। पुराने जमाने में जिस तरह की चार पांच खिड़कियां बनी हुई थी एक साइड पे दरिया काफी ऊपर था, दरिया चलती थी, हवा चलती थी, अंदर चीजें फ्रीज होते थे। एक ग्रुप फोटो, एक ग्रुप फोटो ऊपर 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 किसी का फोन रह गया। वो आप उस पिलर पे देखो नहीं मानने सजा मिलती थी। अगर किसी को सजा मौत देना हो तो वो जगह आखिर में है जहाँ से बताए बगैर उनको धक्का दिया जाता था। मतलब इसे कालकोठ ही कह सकते हैं। ये दरवाजा बहुत छोटे, हर एक अपने सर का खास ख्याल रखे। ये जेल खाना है, जिंदान, मेरे जिंदान के साथी यहाँ पे गुजर जाएंगे। रूम बहुत छोटा है, अंधेरा कमरा भी कहा करते थे। इधर से 200 मीटर तक जमीन के नीचे से एक टनल बना हुआ था। सुरंग, खुदा न खासा इस फोर्ट पे कोई अटैक करे या बादशाहों पर हमले का खतरा महसूस हो तो इमरजेंसी एग्जिट था ताकि उनको एहसान तरीके से निकाल सके। दूसरी तरफ से मखसूस ट्रेनिंग के लिए प्रिंसेस का मेटर्निटी रूम यूज होता था। डिलीवरीज के बाद प्रिंसेस को बच्चों के साथ सर पे रखते थे और ये आतिशदान था, आग जलाने की जगह। और दीवारों में जो छोटे खाने नजर आ रहे वो लैंप प्लेस से। हमारा इलाका बहुत ठंड है, पुराने जमाने में यहाँ अप्रैल मई तक बर्फ नहीं पिघलती थी। ये छोटी सी जगह एक दफा गर्म करने से इसमें कई घंटे तक गर्माइश रहता था। दो मखसूस चीजों के लिए यूज करते थे, स्केप रूम भी कहलाता है और अंधेरा कमरा भी कहा करते हैं। चलिए, ये लकड़ी और न्यू शीशा का इंतजाम 2006 के बाद इसे ओपन करके लगाया है। आज बाहर निकल के पीछे एक ड्राई फ्रूट स्टोर जिसे हम लोग शेन कहते हैं। यहाँ हमजा में हर एक के पास एप्रिकोट, स्वानेट, बादाम, शहतूत होते हैं। वो हम समझ में ड्राई करके विंटर के लिए स्टोर करते हैं। विंटर में उसका चाबी घर में एक अच्छे बाजीमदार खातून के पास होता है। रात को खाने के बाद फैमिलीज में वो थोड़ा थोड़ा ड्राई फ्रूट तकसीम करती है। ये सिलसिला विंटर खत्म होने तक, ड्राई फ्रूट खत्म होने तक चलता रहता है। और हमारे यहाँ पर दो मखसूस बहुत सी पुराने सकाफती त्योहारें मनाई जाती है जिसे हम दो हिस्सों में डिवाइड करते हैं। एक होता है 22 फरवरी को सीड थ्रोइंग, बीज बोने का त्यौहार जिसे हम बोफाव कहते हैं। बो मीन सीड, फाव मीन थ्रोइंग, इस आर्थिक फोर्ट में, इस रूम में मनाते हैं। और एक होता है हार्वेस्टिंग का जो होता है जिसे हम गिरानी कहते हैं, 25 जून को बाकी स्पोर्ट में मनाते हैं। जैसे पंजाब में विसाखी मनाई जी। और मैं आपको 1157 ओवर फ्लो के बारे में बता दूं।
ये है जी 1100 साल पुराना वोर क्लॉक। सूरज मशरक से निकला, शिरो दूसरा बने, 10 बजे का टाइम हुआ। सूरज ने मगरिब की तरफ मुके, शिरो उनके इधर बने, 2 बजे का टाइम हुआ। फिर शिरो जाके इस तरफ बने, उनके 6 बजे का टाइम हुआ। इससे वो अपना टाइम मैनेज करते थे। 1100 साल पुराना वोर क्लॉक जी।